सदर पुलिस ने शनिवार रात NH-52 पर पपीते से भरे ट्रक से 19 किलो डोडो पोस्त पुचूरा बरामद किया है। पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर लिया है। पुलिस ने कार्यवाही DSG की सूचना पर की है। सदर थाना अधिकारी बलवंत ने बताया कि शनिवार देर रात NH-52 पर ढाढर टोल नाका के पास सामने से आ रहे ट्रक को रुकवा कर तलाशी ली गई, जिसमें पपीते भरे हुए थे। पुलिस ने ट्रक को रुकवा कर ड्राइवर से पूछताछ की, जिस पर ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में महाराष्ट्र से पपीते भरकर लुधियाना जा रहा था। आते समय रास्ते में मध्य प्रदेश से होकर आए थे, जहां से एक जगह से डोडा पोस्त लिया था, जिसको आगे पंजाब ले जा रहे थे। पुलिस ने कट्टे में भरा डोडा पोस्त चूरा जब्त किया है। वहीं ट्रक में सवार तस्कर पंजाब संगरूर निवासी 38 वर्षीय अमरीक सिंह व 23 वर्षीय सिमनजीत सिंह सिख को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की ओर से पकड़े गए डोडा पोस्त चूरे की बाजारी कीमत करीबन 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। मामले की जाँच दुधवा खारा थाना अधिकारी रतनलाल कर रहे हैं। पुलिस रविवार दोपहर दोनों तस्करों को कोर्ट में पेश करेगी। उचित कार्यों के निर्देशानुसार नशा व ऐसमादी तत्वों पर काबू पाने के लिए समय समय पर नाकाबंदी की जाती है और गश्त की जाती है। दुरानी गश्त दुरानी चेकिंग के निरीक्षक होने पर ट्रक को तलाशी ली गई, तो उसमें दो चालक और एक कनेक्टर था शायद, जिनसे 19 किलो डोडा चूरा मिला और जिसको जब्त कर कार्रवाई की गई और जिसका अनुसंधान दूध व खारा ये कहाँ से आए थे? ये थी तोड़गढ़ की तरफ से आना बताया जा रहा है। कहाँ जा रहे थे? ये पंजाब जा रहे थे।